हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विनिमय दर में परिवर्तन करके किस प्रकार हम भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करते हैं या किस प्रकार असंतुलन को समायोजित करते हैं। तो बच्चों, भुगतान शेष में जो विनिमय दर में परिवर्तन होता है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि किसी भी देश का भुगतान शेष घाटे में है, और घाटे में होने के मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो आयात है वो ज़्यादा है और जो निर्यात है वो कम है। तो मैं आपको सिंपल समझाने का प्रयास करता हूँ। हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं, नंबर वन कंडीशन हमने यहाँ पे ले ली है कि पहला भुगतान शेष जो है, भुगतान शेष में घाटा है, भुगतान शेष में घाटा है। अब घाटे को दूर करने के दो तरीके हैं। अगर हम विनिमय दर में परिवर्तन की बात करें, एक तो हम मुद्रा का मूल्यह्रास कर दें और दूसरा मुद्रा अवमूल्यन कर दें, मुद्रा अवमूल्यन कर दें। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए हम दो देश ले लेते हैं, एक भारत है, दूसरा देश अमेरिका है। हमने दो देश की कल्पना की और हमने कल्पना में यह भी मान लिया कि एक डॉलर जो है वो 50 रुपए का है, ठीक है जी। और इस केस में जो भारत है, भारत में जो घाटा है, भुगतान शेष में घाटा है, वो विद्यमान है, भुगतान शेष में घाटा है, भुगतान शेष में घाटा है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में हमने मान लिया। अब हम चाहते हैं कि अपने भुगतान शेष के घाटे को खत्म करना है, यानी कि हम अपने एक तरीके या तो बैलेंस लाना चाहते हैं या सरप्लस लाना चाहते हैं। घाटे को दूर करने के लिए जरूरी है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े, निर्यात में वृद्धि हो तभी घाटा दूर हो पाएगा, या आयात में कमी हो या दोनों हो। यानी कि अगर इस घाटे को दूर करना है तो हमें ये दो उपाय अपनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अवमूल्यन कर देते हैं। अवमूल्यन का मतलब होता है जानबूझकर अपने रुपए की वैल्यू को गिराना, या मुद्रा मूल्यह्रास हो जाता है। और ये एक डॉलर जो है वो 60 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वस्तुएं जो हैं, वस्तुएं की स्वल्पता हो जाएगी बाजार में, स्वल्पता होगी। क्यों स्वल्पता होगी? क्योंकि अब विदेशी वस्तु महंगी हो गई है। पहले जो चीज 50 रुपए की होती थी, अब वो 60 रुपए की हो गई है। यानी कि इससे क्या होगा, आयात में कमी आएगी। साथ ही साथ पहले जो हम निर्यात करते थे, अब वो हम ज्यादा निर्यात करेंगे विदेशों में, क्योंकि हमारा जो एक तरीके से आप कह सकते हो ज्यादा निर्यात होगा। तो इससे क्या होगा, कीमतों में स्वल्पता होगी और कीमत में वृद्धि होगी, यानी कि घरेलू बाजार में कीमत बढ़ेगी। जो घरेलू बाजार है उसमें जो कीमतें वो बढ़ेंगी। तो इसीलिए इसको कहा गया है कीमत द्वारा भुगतान शेष में समायोजन की रणनीति। जैसे कि हमने यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, अवमूल्यन या मूल्यह्रास द्वारा भुगतान शेष के घाटे को दूर किया जा सकता है। इसे कीमत समायोजन प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे घरेलू कीमतें बढ़ती हैं। कीमत समायोजन की यह प्रक्रिया की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो विदेशी करेंसी आप खरीद रहे हो, यानी कि जो विदेशी करेंसी खरीद रहे हो, उसकी मांग घरेलू बाजार में लोचदार है या बेलोचदार है। इसी बात को बच्चों मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए हम यहां पे लेके चल रहे हैं दो कंडीशन। पहली कंडीशन में हमने मान लिया कि जो मांग है और जो पूर्ति है वो दोनों के दोनों बेलोचदार है। हम ये मान के चल रहे हैं बेलोचदार, हम मान के चल रहे हैं। तो ये मांग है, ओके जी, यानी कि ये मांग है और ये पूर्ति है, जिसको हम एस जीरो बोल देते हैं, इसको डी जीरो बोल देते हैं। दूसरा, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मांग है और जो पूर्ति है वो कंपैरेटिवली लोचदार है। यानी कि ये हम क्या करते हैं, मांग मान लेते हैं और यहां पे हम पूर्ति मान लेते हैं। तो इस केस में मान लीजिए आप इस पॉइंट पर हो और एक डॉलर जो है वो मान लीजिए 50 रुपए के बराबर है,
और इस केस में ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा घाटा है, दोनों ही बराबर बराबर हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारी मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, यानी कि विदेशी मुद्रा की मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, विदेशी आप कह सकते हो भुगतान से इसमें घाटे को दिखा रहा है ये वाला डॉन, इसको हम नाम दे दें ए से लेके बी तक। तो ए से बी तक क्या दिखा रहा है, भुगतान शेष में घाटा है, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए हम केवल और केवल 10% या 20% अगर अवमूल्यन कर दें तो $1.60 का हो जाएगा, यानी कि इस केस में हम अपना संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम केवल और केवल 20% अवमूल्यन कर दें। तो यहां पे क्या बता रहा है कि 20% अवमूल्यन के द्वारा हम अपने घाटे को दूर कर सकते हैं। देखिए सिंपल समझ लीजिए, यहां पे ये जो मांग है ये बेलोचदार है और यहां पे मांग और पूर्ति लोचदार है, तो ये हमारी पूर्ति है जो कि लोचदार है, ये मांग है जो कि लोचदार है। तो जिस केस में मांग और पूर्ति लोचदार है वहां पर थोड़ी सी अवमूल्यन के द्वारा हम अपने भुगतान से इस घाटे को दूर कर सकते हैं, लेकिन जहां पर पूर्ति बेलोचदार है या मांग बेलोचदार है वहां पर आपको ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि $1 आपको ₹100 का करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो 100% आपको अवमूल्यन करना पड़ेगा। तो अवमूल्यन का फायदा भुगतान से इस घाटे को दूर करने में होगा ये नहीं होगा, ये विदेशी मुद्रा की मांग की लोच और विदेशी मुद्रा की पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। बच्चों इस डायग्राम को चाहे तो हम एक सिंपल डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए मैं आपको 3 डायग्राम बना देता हूं, बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। देखिए ये समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कंसेप्ट समझ में आ ही जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं हम यहां पे मान लेते हैं कि मांग जो है वो लोचदार है, तो लोचदार का मतलब इस तरीके की मांग बनेगी, और पूर्ति को भी लोचदार मान लिया तो इस तरीके की पूर्ति बनेगी। यहां पे मांग को बेलोचदार माना है दूसरे वाले डायग्राम में, और सप्लाई को भी बेलोचदार। तो इस केस में आप देखोगे जो घाटा है, मान लीजिए ये घाटा है, तो इसको दूर करने के लिए आपको कम प्रयास करना पड़ेगा, और अगर यहां पे घाटा है तो इसको दूर करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। यही बात आपको डायग्राम के थ्रू समझाई गई है कि अगर जिस कंडीशन में जो मांग है वो बेलोचदार है, जिस कंडीशन में मांग बेलोचदार है वहां पर अगर आप भुगतान से इस घाटे को दूर करते हो तो आपको ज्यादा अवमूल्यन करना पड़ेगा। सिंपल समझ लीजिए कि जिस कंडीशन में मांग लोचदार है वहां पर अवमूल्यन करने के लिए आपको कम अवमूल्यन करके भी फायदा हो जाएगा, और जहां पे मांग बेलोचदार है वहां पर आपको ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही बात बच्चों यहां पे भी लिखी हुई है कि यदि विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति अधिक लोचदार है तो तुलनात्मक रूप से कम अवमूल्यन या मूल्यह्रास द्वारा भुगतान से इस घाटे को दूर किया जा सकता है, और अगर आपकी मांग और पूर्ति बेलोचदार है तो आपको ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। यही बात बच्चों डायग्राम में दिखाई गई है, यहां पे हम लिख रहे हैं आपका एक तरीके से विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, ऊपर लिख लेते हैं विनिमय दर। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो मुझे आपको समझाना था, इसमें इसको जब आगे फर्दर डेवलप किया तो फर्दर डेवलप किया तो एक बना जिसको हम बोलते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन, जिसमें उन्होंने बताया कि अवमूल्यन करने का फायदा तभी होगा जब निर्यात की और आयात की जो मांग की लोच मिलाकर एक से ज्यादा हो। बच्चों उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना के आपको समझा देंगे, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।